आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। महाराष्ट्र राज्या भूमीला पुणे प्रांतात चिंचवडला वंदन चापेकर बंधूंना जी जी जी। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी बालकृष्ण हरि चापेकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बालकृष्ण और उनके दो भाई चापेकर बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 12 मई 1899 को देश के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे। बालकृष्ण ने अपने भाई दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर तथा महादेव रानाडे और साठे के साथ मिलकर 22 जून 1897 को ब्रिटिश अधिकारी WC रेंड और उसके रक्षक सैनिक की हत्या कर दी थी। सेनापति रेंड बेदरकार लोकांवर जुलुम अत्याचार दुष्ट नीतीच होत सरकार जी 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 दुष्ट नीति। बालकृष्ण का जन्म 1873 में पुणे में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के जोशीले भाषणों से उनके दिल में राष्ट्रवाद की प्रगाढ़ भावना का संचार हुआ। जब 1896-97 में भारत में प्लेग फैला तो सरकार ने महामारी के प्रबंधन के लिए एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया। ब्रिटिश प्लेग आयुक्त WC रेंड ने प्लेग महामारी से बचाने के नियमों की आड़ में आम जनता पर अत्याचार शुरू कर दिए और खूब आतंक फैलाया। रेंड ने संपत्तियों को अंधाधुंध ढंग से जलाने, निजता के उल्लंघन के आदेश दिए और महिलाओं पर अत्याचार किया। यह ब्रिटिश धर्मांतरण विरुद्ध सशस्त्र क्रांति कराए छे। ब्रिटिश सरकार ने त्यांच्या पोलिसांच्या मनात दहशत बसवली पाहिजे। चापेकर बंधुओं ने पुणे को आतंक से मुक्त करने के लिए रेंड से बदला लेने की योजना बनाई। 22 जून 1897 को पुणे में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की जयंती मनाई गई। योजना के मुताबिक दामोदर हरि ने गवर्नमेंट हाउस के दरवाजे पर प्रतीक्षा की और जैसे ही रेंड का वाहन नजर आया वो 10-15 कदम पीछे हट गए। जब वाहन पीले बंगले के करीब पहुंचा तो दामोदर ने दूरी बना ली और बालकृष्ण को संकेत देने के लिए आवाज लगाई। आंखें खोलो और असली दुश्मन को पहचानो। दामोदर हरि ने वाहन का पल्ला खोलकर ऊपर उठाया और रेंड पर गोली दाग दी। घायल रेंड ने 3 जुलाई 1897 को दम तोड़ दिया। बालकृष्ण ने रेंड के सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आयस्ट को भी गोली दागी जो मौके पर ही ढेर हो गया। चापेकर बंधुओं महादेव रानाडे और साठे को पकड़ लिया गया। दामोदर चापेकर ने 18 अप्रैल 1898 को, वासुदेव हरि ने 8 मई 1899 को, महादेव विनायक रानाडे ने 10 मई 1899 और बालकृष्ण हरि ने 12 मई 1899 को अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। किशोर होने के कारण साठे को 10 वर्ष के कठोर श्रम की सजा हुई। इन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। जन कोडिगल्क जीवामृतम जय भारताम्बेक्य वंदनम। जन कोडिगल्क जीवामृतम जय भारताम्बेक्य वंदनम। हम आज स्वाधीनता सेनानी रोसम्मा पुन्नूस का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 12 मई 1913 को केरल के कंजिरापल्ली में हुआ था। उनकी बड़ी बहन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अक्कम्मा चेरियन त्रावणकोर की झांसी की रानी के नाम से लोकप्रिय थीं। रोसम्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और करीब 3 साल तक वो जेल में रहीं। प्राणनुं जीवायुं भारदाम्बयामं मे भारदामोजना धीर देशाभिमानी गले सरा। स्वतंत्रता के उपरांत रोसम्मा
राजनीति में आ गईं और केरल विधानसभा की सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला बनी। रोसम्मा पुन्नूस केरल विधानसभा की पहली प्रोटेम स्पीकर भी थी। उन्होंने केरल महिला संगम की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और प्लांटेशन कॉरपोरेशन की अध्यक्ष भी रहीं। 1987 में वे आलापूजा से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुईं और बाद में त्यागपत्र देकर 1998 में केरल महिला आयोग की सदस्य बनी। वे राजनीति और राज्य के सामाजिक क्षेत्र के लिए भी सक्रिय रहीं। 28 दिसंबर 2013 को रोसम्मा पुन्नूस का निधन हो गया। रोसम्मा पुन्नूस को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज स्वाधीनता सेनानी बनमाली घासी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 12 मई 1943 को हुआ था। ओडिशा के कोरापुट के निवासी घासी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रहे। उन्होंने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर ओडिशा में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। बनमाली घासी को अन्य आंदोलनकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और नबरंगपुर जेल भेज दिया गया। वहां साफ सफाई न होने और चिकित्सा देखभाल के अभाव के कारण घासी को कई बीमारियों ने जकड़ लिया। इन परिस्थितियों में घासी और अन्य कैदियों को कोरापुट जिला कारागार भेज दिया गया। वहां 12 मई 1943 को बनमाली घासी का निधन हो गया। महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी बनमाली घासी को शत शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।